A very good morning, children. Now, children, today our topic, I will continue my topic, Earth, the living planet. Children, in previous video, I taught you what is the Earth and the layer of the Earth. I taught you there are three layer of the Earth. First is crust, second is mantle, and third one is core. Now, today I will continue my topic, the shape of the Earth. Shape, it means आकार कि पृथ्वी का आकार कैसा है. क्या बच्चों आप जानते हो कि पृथ्वी का आकार कैसा है? डू यू नो दैट? वेल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ. हैव यू एवर स्टूड इन एन ओपन फील्ड और ऑन द सीशोर? क्या आपने कभी ओपन फील्ड और सीशोर समुद्र का किनारा देखा है? If you do so, you will see that the earth appears flat. अगर आपने देखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ कैसी है, बिल्कुल फ्लैट है. No wonder people long ago were afraid to travel far. इसमें कोई भी शक नहीं है कि बहुत समय पहले लोग क्या थे, ट्रेवल करने से डरते थे. दे फियर दे वुड फॉल ऑफ द एज. उन्हें लगता था कि हम लोग इस पानी में गिर जाएंगे. बट इट इज द अर्थ रियली फ्लैट? क्या सचमुच में अर्थ फ्लैट है? आपको ऐसा लगता है? अबाउट 500 years ago, फर्डिनेंड मैगलन, अ पोर्तुगीज सेलर, सेट आउट विद अ फ्लीट ऑफ शिप ऑन अ लॉन्ग वॉयेज फ्रॉम स्पेन. ठीक है, 500 साल पहले पुर्तगीज सेलर थे फर्डिनेंड मैगलन. ठीक है, उन्होंने क्या करा था, एक शिप को सेट किया था. ठीक है, ही कैप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन. उन्होंने एक डायरेक्शन पकड़ी. ठीक है, आफ्टर 3 years और 3 साल बाद ही शिप्स रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड. उन्होंने एक शिप को सेट किया और उन्होंने 3 साल बाद क्या देखा, जहां पर उन्होंने अपनी शिप को छोड़ा था वो शिप क्या है, वहीं पर ही थी. आफ्टर 3 years ही शिप्स रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या है, यहां से अपनी शिप क्या है स्टार्ट करी थी और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उनकी शिप वहीं पर ही खड़ी थी. ठीक है, मैगलन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, नॉट फ्लैट एज पीपल अर्लियर थॉट. तो मैगलन ने क्या प्रूफ करा कि अर्थ कैसा है, राउंड है. ठीक है, अर्थ कैसा है, राउंड है. ये आपका अर्थ कैसा है, लाइक दिस. ठीक है, ये फ्लैट नहीं है. ठीक है, द एस्ट्रोनॉट्स फर्दर प्रूव दिस. और एस्ट्रोनॉट्स ने भी क्या है, इसको प्रूफ किया है. एस्ट्रोनॉट्स आर पीपल हु हैव बीन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस इन रॉकेट्स एंड स्पेस शिप्स. ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो पीपल थे उन्होंने क्या ट्रेन किया है कि कैसे हम लोग क्या है स्पेस में रॉकेट भेज सकते हैं और स्पेस शिप भेज सकते हैं. व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स लुक्ड एट द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस. जब एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा, अर्थ का आउटर स्पेस मतलब बाहरी सतह, दे फाउंड दैट इट लुक्ड लाइक अ ह्यूज बॉल. तो उन्होंने क्या पाया कि ये कैसा है अर्थ, एक ह्यूज बॉल मतलब बहुत बड़े बॉल के आकार का यह पृथ्वी है. ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, द अर्थ एज इट अपीयर्स फ्रॉम द आउटर स्पेस, नॉट द थिन ब्लू लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग इट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द होराइजन. Looking from a distance, the land and sky seem to meet, but in reality they do not meet. ठीक है, आप जब बच्चों क्या देखते हैं, ये आपका क्या है, लैंड है. ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल लैंड है. ठीक है,
अब ये क्या है आपका? सी है, समुद्र है। कभी आपने देखा है ऐसा इस समुद्र को? तो आपको क्या लगेगा कि ये समुद्र, अगर हम यहां से देखते हैं तो हमें लगता है ये जमीन और ये समुद्र क्या है, मिले हुए हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से टच हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। द प्लेस एट विच द लैंड एंड द स्काई अपेयर टू मीट इज कॉल्ड द होराइजन। हमें जो ऐसा स्थान जहां पर हमें लगता है कि लैंड और स्काई क्या है, मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होराइजन। एवरी टाइम वी कम क्लोजर टू द होराइजन इट सीम्स टू मूव फर्दर अवे, ठीक है? एवरी टाइम हमें क्या लगता है कि हम होराइजन के मतलब बहुत क्लोज है, हमें लगता है कि हम इसको क्या है, टच कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। द कोस्ट, कोस्ट कहते हैं बच्चों जो समुद्र के किनारे होता है उसे हम कहते हैं कोस्ट। लैंड एंड सी मीट एट द कोस्ट। इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड फेस द सी, अगर हम क्या है कोस्ट के अपने सामने खड़े होते हैं और अपना फेस कहाँ करते हैं, समुद्र की तरफ, इट विल सीम एज इफ द वॉटर एंड द स्काई आर मीटिंग एट अ डिस्टेंस। तो हमें लगता है कि पानी और स्काई एक दूसरे से क्या है, मीटिंग एट अ डिस्टेंस, कि उनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है। दिस डज नॉट हैपन इन रियलिटी, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। द स्काई अबोव द अर्थ इज द स्काई, इट लुक्स ब्लू थ्रो इट इज रियली नॉट सो। स्काई कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। इट इज जस्ट अ वास्ट स्पेस सराउंडिंग द अर्थ। ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्पेस होता है अर्थ के सराउंडिंग। द सन द स्टार्स एंड द मून आर हेवनली बॉडीज इन दिस स्पेस, ठीक है? यहाँ स्काई में क्या होता है, सन सूरज होता है, स्टार होते हैं, मून चंद्रमा होते हैं, ये सब हेवनली बॉडीज कहाँ पर होते हैं, स्काई में होते हैं, ठीक है? तो बच्चों ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया है। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द लैंड एंड द स्काई अपेयर टू मीट एट द, जहां पर क्या होते हैं स्काई और लैंड क्या होते हैं, मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, होराइजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड दिस इन ऑर्डर टू लीव, सभी को जीने के लिए क्या चाहिए, किन चीजों की आवश्यकता होती है, एयर। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड एन, ऐसा व्यक्ति जिसने क्या है स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए क्या करा था, एक योजना बनाई थी कि कैसे हम उसको भेजेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। मैगलन वॉज अ सेलर फ्रॉम, मैगलन कहाँ का सेलर था, कहाँ का था, पुर्तगाल। द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ, अर्थ अर्थ पृथ्वी का शेप किसकी तरह होता है, बॉल की तरह। आंसर इन वन वर्ड, विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, कौन सा स्टार हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, तो कौन सा होता है बच्चों, सन। हाउ मच टाइम डज सन रेज टेक टू रीच अर्थ, सन की जो रेस किरणें होती हैं पृथ्वी में आने में कितना समय लगाती हैं, तो कितना लगाती हैं, 8 मिनट्स। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर इट मींस व्यास, ठीक है, कि पृथ्वी का व्यास कितना होता है, कितना है पृथ्वी का व्यास, 7,918 माइल्स। व्हाट इज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, पृथ्वी का क्या है टेम्परेचर कितना है, -88 to 58 डिग्री सेल्सियस। हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ आर देयर, ठीक है, कितनी सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ में, तो कितनी है, सिर्फ एक है, ओनली वन। हु इज दिस, व्हाट इज दिस, मून।
When was the earth formed? अर्थ ने कब हमें लगा कि ये क्या है, एक पृथ्वी बनी? Approximately 5.54 billion years ago. इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट लिया गया है, एक आइडिया लिया गया है कि 4.54 बिलियन एगो, मतलब इतने साल पहले हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन. नेम द पार्ट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के पार्ट्स आपको बताने हैं कौन से. द पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था अर्थ को. What do living beings need to live on the earth? Living beings need air and water. Air and water to live on the earth. What is atmosphere? Atmosphere kya hota hai? The envelope of the air that surrounds the earth is called atmosphere. एटमॉस्फियर होता है बच्चों, जो पृथ्वी के क्या होती है, एक सराउंडिंग होता है कि एनवलप टाइप का. ठीक है, हवा होती है उसमें, सब चीज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं. व्हाट इज होराइजन? द प्लेस वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट इज कॉल्ड होराइजन. ऐसी जगह जहां पर हमें क्या लगता है कि अर्थ और स्काई क्या है, मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं. वट इज कोस्ट? द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी. ऐसी जगह जहां पर हमें क्या लगता है कि पृथ्वी और समुद्र मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन. Why do we say that the planet Earth is unique? हम क्यों कहते हैं कि जो अर्थ, प्लैनेट अर्थ है, वो सबसे अलग है. Different kinds of plants and animals live here. यहाँ पर क्या है, different kinds के plants और animals रहते हैं. And there is no other place in the universe. और आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी planet नहीं है जहां पर क्या है, पानी हो, हवा हो, प्लांट्स, एनिमल, ये सब चीजें हों, ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी प्लैनेट नहीं है. वेयर देयर इज लाइफ, जहां पर क्या है, लाइफ हो. दैट इज द रीजन वी से आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है. हु वॉज फर्डिनेंड मैगलन? फर्डिनेंड मैगलन कौन थे? Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer who organized the Spanish expeditions to the East Indies from 1519 to 1522. ठीक है, Ferdinand Magellan कौन थे? एक Portuguese explorer थे जिन्होंने एक अभियान चलाया था, organize किया था उन्होंने एक अभियान, expedition it means अभियान चलाया था. ठीक है, East Indies from 1522, उन्होंने एक अभियान चलाया था. ठीक है, और उनको फर्स्ट, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट सरकम नेविगेशन, मतलब जिन्होंने पहले जहाज से यात्रा की थी. ठीक है, सरकम नेविगेशन का मीन्स क्या होता है, जिन्होंने जहाज से पहली बार यात्रा करी थी, तो उनको क्या है, पहला क्या है, सरकम नेविगेशन कहते हैं. विच वॉज कम्प्लीटेड बाय जुआन सिबास्टियन एल्केनो. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, फर्डिनेंड मैगलन का बर्थ कब हुआ था? 3 फरवरी 1418 सबरोसा पुर्तगाल. उनका जन्म कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में, 1418 में. डाइड, और कब डाइड हुए थे? 27 अप्रैल 1521 मैक्टन फिलीपींस में. उनका पूरा नाम क्या था, फुल नेम? फर्नियो डी मैगलिस. ठीक है, नेशनलिटी, उनकी जो राष्ट्रीयता थी वो कहाँ की थी? पुर्तगीज की. नोन फॉर, उनको हम किस नाम से जाने जाते हैं? द फर्स्ट सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ. उनको पहली जो यात्रा करी थी उन्होंने जहाज से, उनको हम उस नाम से जानते हैं.
What is the shape of the earth? Give two ways in which you can prove this. अर्थ की शेप क्या होती है, दो रीजन बताइए. द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड. अर्थ की शेप क्या होती है, राउंड होती है. और दो रीजन है, डे एंड नाइट हैपन एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ. आप देखते हैं कि डे और नाइट, दिन और रात क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग होते हैं. इट ऑलवेज डे समवेयर एंड नाइट समवेयर एल्स. आप जैसे कि देख सकते हैं, ये क्या है, एक अर्थ है, ठीक है. अभी अर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अभी जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं वो क्या है, यहां पड़ेंगी, तो यहां पर क्या है, डे होगा, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, अब जब ये घूमेगा, ये यहां पर, अब यहां पर हमें तो डे दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, नाइट होगा. लेकिन अगर हम इस, ये जब पृथ्वी घूमती है तो ये पार्ट क्या होगा, आगे आएगा, फिर यहाँ पे सन रेज पड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे, और इसके पीछे भाग में क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा. ऑल द अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स वी हैव एवर सीन आर राउंड एंड देयर इज नो रीजन टू इंडिकेट दैट द अर्थ शुड बी एनी डिफरेंट. जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ प्लैनेट्स, स्टार हैं, वो सब हमें कैसे लगते हैं, राउंड लगते हैं. तो कोई इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि अर्थ कैसा होगा, इनसे अलग होगा. डिस्क्राइब द स्काई, स्काई को डिस्क्राइब करो. द स्काई इज नथिंग बट द एंडलेस स्पेस सराउंडिंग द एंटायर अर्थ. ठीक है, स्काई क्या है, एक एंडलेस स्पेस है, जो कि अर्थ का क्या है, एक एंडलेस स्पेस है, जो हमें लगता है कि इस अर्थ, स्काई क्या है, कहीं इसका अंत ही नहीं है. इट लुक्स ब्लू, ये कैसे लगती है, ब्लू. द स्काई हैज नो एंड, नो कलर, नो शेप. इसका कोई कलर नहीं होता है, शेप नहीं होता है, ठीक है. इट इज द होम ऑफ द क्लाउड, ये क्या है, घर है किसका, क्लाउड, द सन, द मून एंड द स्टार एटसेट्रा. ठीक है, तो ये क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर थे. तो बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अर्थ द लिविंग प्लैनेट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाई डू वी लिव इन अर्थ, और सॉरी, व्हाई डू वी लिव ऑन द अर्थ. ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.